Assalamu alaikum class 8. How are you all? I hope you all will be fine. In previous class, we have done our fourth chapter, The Lost Child. And today we are going to start new chapter, The World in a Wall. The World in a Wall. Open your books, page number 44. Here it is our fifth chapter, chapter 5, The World in a Wall. The world in a wall means दुनिया एक दीवार पर, या अब दीवार की दुनिया भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसको हम रीड करते हैं, रीड करेंगे तो हमें सारी बातें समझ आ जाएंगी। असल में ये एक पेट एनिमल्स के बारे में यूनिट है हमारा, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको रीड करते हैं, रीड करने के बाद सब समझ आएगा, उसके बाद एंड में इसका जो मॉरल है उसको भी समझेंगे। One day I found a fat female scorpion in the wall, wearing what at glance appeared to be a light brown fur coat. इसमें स्कॉर्पियन जो वर्ड यूज हुआ है, स्कॉर्पियन बिच्छू को कहते हैं। तो कह रहा है एक दिन मैंने एक मोटी फीमेल बिच्छू को दीवार पर देखा, wearing यानी पहने हुए, What at first glance appeared, यानी पहली नज़र में मुझे दिखी, पहने हुए, क्या पहने हुए, light brown fur coat, यानी हल्का कत्थई रंग का रुओं वाला कोट पहने हुए। Closer inspection proved that this strange garments was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. गौर से देखने पर मुझे पता चला कि वो जो अजीब सा गारमेंट था या अजीब सा लिबास था जो वो पहने हुई थी, वो छोटी छोटी जो बेबीज थी उसके, छोटे छोटे स्कॉर्पियन के बच्चे थे, उनका मांस था जो कि अपनी माँ के पीछे लटके हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल देम इन टू द हाउस एंड अप टू माई बेडरूम। मैंने अपना जहन बना लिया कि मैं उसको छुपा कर घर में ले जाऊँगा और फिर अपने बेडरूम में, सो दैट आई माइट कीप देम एंड वॉच देम ग्रो अप, ताकि मैं उसे बढ़ता हुआ देख सकूं। विद ग्रेट केयर आई मैन्योर्ड द मदर एंड फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स। बड़ी हिफाजत के साथ मैंने मदर और उसकी फैमिली को, यानी मदर और जो बिच्छू था फीमेल और उसकी जो फैमिली थी, उसको एक मैच बॉक्स में किया। एंड देन हरी टू द विला, और फिर जल्दी से विला की तरफ चला पड़ा। इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर द डोर, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि जैसे ही मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, लंच वॉज टू बी सर्व्ड, लंच जो है यानी दोपहर का खाना जो है वो लगा दिया गया था। However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room so that the scorpion may get plenty of air. मैंने ताहम बड़ी एहतियात के साथ माचिस को एहतियात के साथ ड्राइंग रूम में मैंटलपीस पर रख दिया, ताकि स्कॉर्पियंस को अच्छी खासी हवा मिल सके, ताकि वो डब्बी के अंदर जो हैं वो परेशान ना हो। Then I made my way to the dining room and joined the family for the meal. फिर मैं डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़ा और मैंने अपनी फैमिली को खाने में ज्वाइन किया, यानी मैं खाने में उनके साथ शामिल हो गया। डॉडलिंग ओवर माई फूड फीलिंग रोजर सरपिटिशियसली अंडर द टेबल एंड लिसनिंग टू द फैमिली ऑर्गन, मैं आराम आराम से अपनी ग़िज़ा या अपना खाना खाने में लगा हुआ था। मैंने महसूस किया कि रोजर जो है खुफिया तौर पे या टेबल के नीचे छुपा हुआ फैमिली की बातें सुन रहा था। आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू पेट्स, मैं मुकम्मल तौर पे अपने जो दिलचस्प न्यू पेट्स थे, जानवर थे, उनके बारे में भूल चुका था। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड, आखिरकार लैरी ने खाना ख़त्म किया, फेच सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम एंड लेइंग बैक इन हिज चेयर, लैरी ने खाना ख़त्म किया और वो ड्राइंग रूम से एक सिगरेट लेके आया
और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। पुट वन इन हिज माउथ एंड पिक अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्रॉट। उसने अपने मुंह में सिगरेट रखी और मैच बॉक्स को यानी माचिस को उठाया जो वो लेके आया था। आई वॉच्ड हिम इंटरेस्टिंगली एज टॉकिंग ग्लीबली ही ओपेंड द मैच बॉक्स। मैं दिलचस्पी से उसे देख रहा था, वो बातें करता जा रहा था और उसने माचिस को खोला। नाउ आई मेंटेन टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन नो हार्म। शी अपसेट एंड एनॉयड एट बींग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग एंड सो चूज द फर्स्ट चांस टू एस्केप। अब आज के दिन मुझे मामला संभालना था कि फीमेल स्कॉर्पियन का मतलब है कोई नुकसान नहीं। वो परेशान और अपसेट हो गई थी, यानी कि तंग आ गई थी एक छोटी सी मैच बॉक्स में काफ़ी देर से पड़े पड़े। तो उसको जैसे ही मौका मिला उसने फरार का रास्ता इख्तियार किया। शी क्रॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स रैपिडली। हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन एंड स्कटल्ड ऑन द बैक ऑफ लैरीज हैंड। वो रेंगती हुई जल्दी से बॉक्स से या डब्बी से माचिस की बाहर निकली तेज़ी से, और उसके बच्चे जो थे वो उसके पीछे लटके हुए थे। एंड स्कटल ऑन द बैक ऑफ लैरीज हैंड, और उसके जो पाँव के जो उसकी जो मूवमेंट थी वो लैरीज को अपने हाथ पर महसूस हुई। दे आर नॉट क्वाइट वॉट टू डू नेक्स्ट। शी पॉज हर इंस्टिंक्ट कर्व्ड अप। अब खामोशी रहने वाली नहीं थी, आगे क्या होने वाला था। उसने अपने डंक को मारने से रोका। लेरी फीलिंग द मूवमेंट हर क्लास। लेरी को उनकी हरकत यानी उसके छोटे छोटे पाँव की हरकत महसूस हुई। ग्लैंस डाउन टू सी वॉट इट वॉज। उसने देखने के लिए उसे कि वो क्या था एक नज़र उसे देखा। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज। और उस लम्हे से जो चीज़ें थी मुकम्मल तौर पर यानी परेशान कुन होती चली गई। लैरी उटर्ड अ रोर ऑफ फ्राइट दैट मेड लुग्रैट्जिया ड्रॉप अ प्लेट एंड रॉजर आउट फ्रॉम बीनीथ द टेबल बार्किंग वाइल्ड। लैरी ने खौफ के मारे एक चीख मारी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लुग्रैट्जिया ने प्लेट को हाथ से छोड़ दिया और रॉजर टेबल के नीचे चिल्लाते हुए बुरी तरह से छुप गया। विथ अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड सेंड द स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल। उसने अपने हाथ को झटका, जिसकी वजह से जो स्कॉर्पियन थी वो उड़ती हुई टेबल पे गई। एंड शी लैंडेड मिड वे बिटवीन बिटवीन मॉरो एंड लेसली। सॉरी, मार्गो एंड लेसली। एंड उसके बाद वो जैसे ही उसने हाथ को झटका वो उड़ते हुए टेबल के दरमियान में गई, और वो जहाँ पे मार्गो और लेसली बैठे थे उनके दरमियान पे जाके गिरी। स्कैटरिंग हर बेबीज लाइक कॉन्फिटी एज शी थम्प्ड ऑन। एंग्री एट दिस ट्रीटमेंट द क्रिएचर स्पेड टूवर्ड्स लेसली। हर स्टिंग क्वाइवरिंग लेसली लीप टू हिज फीट ओवर टर्निंग हिज चेयर एंड फ्लिक्ड इट आउट विथ हिज नैपकिन। इस तरह के ट्रीटमेंट से वो जो बिच्छू थे वो परेशान हो गए, गुस्से में आ गए और क्रीचर जो थे तेज़ी से लेसली की तरफ दौड़े यानी लेसली की तरफ सॉरी बढ़े। अपने डंक को लहराते हुए वो लेसली की तरफ बढ़े। लेसली ने अपने पाँव को झटकते हुए अपने चेयर को घुमाया एंड फ्लिक्ड इट और अपनी नैपकिन को झटका दिया। दिस सेंट द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द प्लॉट टूवर्ड्स मॉर्गो, जिसकी वजह से बिच्छू जो थे स्कॉर्पियन जो थे वो लुढ़कते हुए टेबल के कपड़े पे मॉर्गो की तरफ गए। हु लेट आउट अ स्क्रीम दैट एनी रेलवेंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस। जो तेज़ी चिल्लाता हुआ रेलवे इंजन की तरह, जैसे रेलवे इंजन फख्र से आवाज़ निकालता है इसी तरह से चिल्लाता हुआ थोड़ा। मदर कम्प्लीटली बिविल्डर्ड बाय दिस सडन चोज। माँ जो थी मुकम्मल तौर पे इस सिचुएशन से खौफजदा हो गई, परेशान हो गई, कंफ्यूज हो गई।
और पुट ऑन हर ग्लासेस एंड पेयर डाउन द टेबल. उन्होंने अपना ग्लासेस जो थे वो लगाए और टेबल पर गौर से देखा. एंड दे एट दैट मोमेंट मार्गो इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस हरीड अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन इट. और उसी लम्हे मार्गो जो है स्कॉर्पियंस को रोकने के लिए पानी का गिलास भरकर लेकर आया और उसने उसको स्कॉर्पियंस पर उछाल दिया. द शॉवर मिस द एनिमल कम्प्लीटली. और वो पानी जो है मुकम्मल तौर पर जानवरों से मिस हो गया, यानी कि वो उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया. बट ड्रेंज्ड मदर हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर. लेकिन वो सारा पानी माँ के ऊपर गिरा जो कि बिल्कुल भी ठंडे पानी में खड़े होने के काबिल नहीं थी. लॉस्ट हर ब्रीथ एंड सेट गैस्पिंग. और उन्होंने अपनी सांस खो दी और उनकी सांस फूलने लगी और वो बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी. अनएबल इवन टू प्रोटेस्ट. यहाँ तक कि वो कुछ किसी को कह भी ना सकी. द स्कॉर्पियन हैड नाउ गॉन टू ग्राउंड अंडर लीजलीज प्लेट. अब स्कॉर्पियन जो है वो ज़मीन की तरफ चले गए थे लीजलीज की प्लेट के नीचे से. वाइल हर बेबीज मूव वाइल्डली ऑल ओवर द टेबल. जबकि उसके जो बच्चे थे वो बुरी तरह से पूरी टेबल पे हरकत कर रहे थे, फैले हुए पड़े थे. रॉजर रैन राउंड एंड राउंड रूम द रूम बार्किंग हिस्ट्रिकली. रॉजर जो था वो कमरे में गोल गोल घूम रहा था पागलों की तरह चिल्लाते हुए. इट्स दैट बॉय अगेन बिलोड लैरी. लुक आउट दे आर कमिंग स्क्रीम मार्गो. ऑल वी नीड इज अ बुक रोड लेजली. डोंट पैनिक हिट हिम विथ अ बुक. ये वो लड़का है बुरी तरह से लैरी चिल्लाया वो देखो वो आ रहे हैं. मार्गो चिल्लाया हम सबको एक किताब की ज़रूरत है. लेजली चिल्लाया डोंट पैनिक घबराओ मत उसे एक किताब से मारो. What on earth is the matter with you all? Mother kept asking, mopping her glasses. ज़मीन पर क्या मसला है आप सबके साथ, माँ पूछती रही अपना गिलास को, यानी अपना जो चश्मा था उसको ढूंढते हुए. It's that boy. He will kill the lot of us. Look at the table. Knee deep in the scorpions. ये वो लड़का है ये हम सबको मरवाएगा. टेबल की तरफ देखो नी डीप इन द स्कॉर्पियंस. क्विक क्विक डू समथिंग. लुक आउट जल्दी जल्दी कुछ करो. देखो स्टॉप स्क्रीचिंग एंड गेट अ बुक फॉर गेट सेक. खुदा के लिए चीखना चिल्लाना बंद करो और एक किताब लो. यू आर वर्स देन द डॉग शट अप रॉजर. आप कुत्ते से भी बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, चुप करें रॉजर. By the grace of God, I wasn't bitten. खुदा के लिए मैं नहीं चाहता कि वो मुझे काटे. Look out, there's another one. Quick, oh, shut up and get me a book or something. Look out, it's coming towards me. Quick, do something. Hit it with your knife. Go, hit it. देखो उधर एक और, जल्दी. Oh, shut up. मुझे एक किताब या कुछ दो. देखो वो मेरी तरफ आ रहे हैं, जल्दी करो कुछ दो. अपने चाकू से उसे मारो. सिंस नो वन हैड बॉदर टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम. रॉजर वॉज अंडर द मिस्टेकन इम्प्रेशन दैट द फैमिली वर बींग अटैक एंड दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू डिफेंड दैम. अभी तक किसी को जहमत नहीं हुई थी कि वह चीज़ों की वजाहत कर सके. रॉजर गलत इम्प्रेशन लेके बैठा था कि उसकी फैमिली पर हमला कर दिया गया है और ये उसका फ़र्ज़ है कि वो उसकी हिफाजत करे. एज लुगरेटजिया वॉज द ओनली स्ट्रेंजर इन द रूम. ही केम to the logical conclusion that she must be the responsible party, so bit her in the ankle. This didn't help solve matters very much. उस वक्त कमरे में सिर्फ लुग्रेट्ज़िया जो थी अजनबी शख्स थी और उसको लॉजिकल कंक्लूजन नज़र आया कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है लुग्रेट्ज़िया है, तो उसने उसके एंकिल पर यानी टखने पर काट लिया जिसकी वजह से मामले को हल करने में कोई भी मदद नहीं मिली.
By the time a certain amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. वक्त गुजरने के साथ काफ़ी मामला जो थे वो बेहतर हो गए और तमाम जो बेबी के बच्चे स्कॉर्पियंस थे उन्होंने अपने आप को प्लेट्स और कटलरी के नीचे जो है छुपा लिया था. Eventually, after much pleading and backup by mother, Leslie suggests that the whole lot be killed. यानी इन सारे मामलात के बाद और लेजली ने सजेस्ट किया कि उन तमाम को टू लॉट टू बी किल्ड वॉज क्वेस्ट मारा नहीं जाए, यानी उनको किसी भी तरह से नहीं मारा जाए. वाइल द फैमिली इज स्टिल सिमरिंग रेज एंड फ्राइट, जबकि फैमिली जो थी अभी तक अंदर से हिल रही थी गुस्से में और खौफ से. रिटायर्ड टू द ड्राइंग रूम आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडिंग अप बेबीज, यानी सबको ड्राइंग रूम से बाहर निकालने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैंने उसके गिर्द बेबीज के गिर्द गुजारा. पिकिंग देम अप इन अ टीस्पून, उनको टीस्पून यानी चमचों से उठाया. एंड रिटर्निंग देम टू दियर मदर बेग, वापस उनकी मदर की ऊपर उनको रखा. देन आई कैरीड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर, और फिर उनको एक सॉसर में यानी एक पिर्च में बाहर ले गया. एंड विद द उटमोस्ट रिलेक्टेंस और रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल, और इंतहाई मुश्किल के साथ उन्हें गार्डन की दीवार पर यानी बाग की दीवार पर वापस छोड़ दिया. तो ये हमारा लेसन था जो आज हमने कंप्लीट किया, यानी रीडिंग को हमने कंप्लीट किया है. इस लेसन का असल में मकसद क्या था उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है हम इसकी एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे. देखें ये है इसका लर्निंग आउटकम. द चैप्टर द वर्ल्ड इन अ वॉल बाय गेराल्ड ड्यूरल डिस्क्राइब द इमेंस लव ऑफ द राइटर फॉर द एनिमल्स. ये कहानी जो है एक जो राइटर ने लिखी है उसके वो डीप लव जो है प्यार जो है जानवरों से उसको बयान करती है. द राइटर हेट्स दोज पर्सन हु इग्नोर एनिमल्स बाय देयर बिहेवियर. राइटर जो है लिखने वाला स्टोरी वो उन लोगों से नफरत करता है जो जानवरों को इग्नोर करते हैं, यानी कि जानवरों को नज़रअंदाज करते हैं अपने रवैये से. दिस लेसन ऑल्सो टीचर्स दैट द राइट प्लेस फॉर अ वाइल्ड एनिमल टू लिव इज इट्स हैबिटेट. ये लास्ट वाला लेसन जो है यही तकरीबन इसका मोरल है, जो कि मेरे मुताबिक कि जानवरों की ये लेसन हमें ये सिखाता है कि जानवरों की असल जगह रहने की जो है वो उनका हैबिटेट है, यानी उनका अपना मस्कन है. उनको आप अपने दरमियान ले के आ के नहीं रख सकते, वो वहाँ पे मुतमईन और खुश नहीं रहेंगे. उनकी सही प्लेस जो है रहने की वो उनकी अपनी हैबिटेट या उनका अपना मस्कन है जहाँ पे वो रहते हैं. तो यहाँ पे हमारा लेसन और ये मोरल कंप्लीट हुआ है. अब थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसके बाद वाइंड अप करते हैं आज की क्लास. देखें कॉम्प्रीहेंशन स्किल फर्स्ट जो है हमारा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द राइटर टुक द फीमेल स्कॉर्पियन होम. राइटर जो है फीमेल स्कॉर्पियन को होम लेके आया क्योंकि ही वॉन्टेड टू सी हर बेबीज ग्रो. He didn't want to scorpion to bite anyone. The scorpion was in need of help. He wanted to show his family what he had found. ये चार ऑप्शन है, इसमें आपने करेक्ट पे टिक करना है. आगे कर दीजिएगा इधर टिक, ये क्योंकि बुक वर्क है बुक पे करके तो मुझे चेक कराइएगा, ये आपका होमवर्क है. उसके अलावा एक क्वेश्चन है, ये आपने रफ कॉपी पे करके दिखाना है, हमने रीड किया है वेरी इजी. Why did the writer place मैच बॉक्स ऑन द मेंटल पीस. राइटर ने मैच बॉक्स को मेंटल पीस पे क्यों रखा था. वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है नंबर थ्री. उसके बाद नंबर फाइव, डैश वॉज द ओनली स्ट्रेंजर इन द रूम फिल इन द ब्लैक्स विद सुडेबल वर्ड्स. अब ये जो है ये भी हमने अभी रीड किया है वेरी इजी, ये भी आपका होमवर्क है. वन थ्री फाइव निशान लगाते जाएं आप ताकि गलती ना हो. उसके बाद ये ट्रू फॉल्स है, ये भी आपका होमवर्क है. जो ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वगैरह हैं वो आपका बुक वर्क है, जिसमें जगह दी गई है उधर ही करिएगा जिसमें भी स्पेस दिया गया है. स्कॉर्पियन वॉज नॉट अपसेट एंड एनॉयड एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स. यहाँ पे आपने ट्रू है तो टिक करना है, ट्रू या फॉल्स लिखिएगा, टिक क्रॉस ना करिएगा. ट्रू है तो ट्रू लिखिएगा, फॉल्स है तो फॉल्स. उसके बाद एक टिक द करेक्ट आंसर है, मदर लॉस्ट हर ब्रीथ बिकॉज
मदर ने अपनी सांस खो दी थी क्योंकि हमने हमने अभी रीड किया लेसन में, मॉर्गो वॉज फ्राइटेंड, शी वॉन्टेड टू प्रोटेस्ट, शी वॉज नॉट एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर। इन तीनों में से जो सही है उसके आगे टिक करिएगा, बुक वर्क है पेन से करिएगा, सफाई से करके चेक कराइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन और है 12, द कलर ऑफ द स्कॉर्पियन वॉज रेड, ब्राउन, ब्लू या डी लाइट ब्राउन। ये भी आपका बुक वर्क है, ये भी आपने करके चेक कराना है। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। और जो एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, वो रफ कॉपी पे सफाई से करके चेक कराइएगा, बाकी बुक वर्क है बुक पे सफाई से करके चेक कराइएगा। कोई भी बात नहीं समझ आए वो पूछ लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।